टॉपिक या चैप्टर का नाम है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपके पास कोई क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में पड़ा हुआ है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स क्या होगी? क्यू ई, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ये फोर्स एक्सपीरियंस होगी। अब क्यू चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे। तो चैप्टर किसमें डील करता है कि चार्ज पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? आंसर इज यस। तभी तो चैप्टर का नाम बना है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दोनों फील्ड चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक से। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाता है एक चार्ज पार्टिकल पे, उसको स्टडी करने के लिए इमेजिन करो आपके पास कोई क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर इस तरफ, इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इस तरफ, सच दैट वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा। इस वी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक वी कॉस थीटा, एक वी साइन थीटा, राइट? तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो पता है किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। जितना बड़ा चार्ज होगा मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी स्ट्रांग लगेगी। नेक्स्ट डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, जितना हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट डिपेंड करती है वेलोसिटी नहीं, वी साइन थीटा पे। आप सोचेंगे वी साइन थीटा क्यों, वी कॉस थीटा क्यों नहीं? रीजन दूंगा अभी। तो डिपेंड करता है वी साइन थीटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, मैं बता रहा हूं ये कहां से है, एक्सपेरिमेंट से आया। और अगर हम इसे कंबाइन करें, कांस्टेंट यहां पर वन लगता है, तो आंसर आएगा बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा का, कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगी? बी क्यू वी साइन थीटा, राइट? अब साइन थीटा क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर है बी बी वेक्टर, वी वी वेक्टर, तो वी और बी में क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही एफ वेक्टर आएगा। तो इसलिए कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन, कॉस नहीं आएगा। कॉस तब आता है जब बीच में कौन सा प्रोडक्ट होता? डॉट। डॉट में कॉस आता है और क्रॉस में साइन, क्योंकि फोर्स वेक्टर आप चाहते हो, और अगर आप चाहते हो ये वेक्टर बने तो इसके लिए आपको क्या करना है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो फॉर्मूला बुलेट में नोट कर लें दोनों फॉर्मूलाज, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ये नोट करें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितनी फोर्स लगाती है? बी क्यू बी साइन थीटा या क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये याद रखना बी क्रॉस वी नहीं है, वी क्रॉस बी है, वी पहले है बी बाद में है। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब स्पेशल केस है, मान लो चार्ज पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? राइट। मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पर है? राइट। तो वी और बी में एंगल क्या है? जीरो। वी और बी में एंगल जीरो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा फोर्स का? बी क्यू बी साइन जीरो। आंसर इज जीरो। तो रूल नंबर वन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, आंसर जीरो आएगा। ठीक, स्पेशल केस क्लियर है? अगर वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वी और बी में एंगल जीरो, तो साइन जीरो मैथ्स में जीरो होता है, आंसर इज जीरो। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलता है तो फोर्स जीरो लगेगी, नहीं लगाएगी फोर्स। ठीक है यहां तक? एक और स्पेशल केस है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड और वी वेक्टर में एंगल 90 है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्टिकल इधर है, इधर जा रहा है, तो एंगल बी में और वी में कितना? 90। तो फोर्स क्या होगी? बी क्यू बी साइन 90, साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी मैक्सिमम। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट रूल सुनो, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वी क्या हो जाएगा? जीरो। और वी जीरो होते ही फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। यानी कि स्टैटिक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्सेस लगती नहीं है, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। चार्ज का मूव करना जरूरी है अगर आप मैग्नेटिक फोर्स लगाना चाहते हो। खड़े हुए चार्ज पे, रुके हुए चार्ज पे, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स जीरो होती है। ठीक, यहां तक क्लियर है? जबकि इलेक्ट्रोस्टैट्स ऐसी नहीं थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट है और आप चार्ज पार्टिकल को यहां पे रेस्ट पे रख दो, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यूई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे है उस पर फोर्स नहीं लगाती। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है, अब अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो फोर्स अगर वेक्टर है तो फोर्स की डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी, और अगर डायरेक्शन बतानी है तो आपको एक रूल सीखना पड़ेगा। एक नया रूल आ गया डायरेक्शन का, तो इसमें लिखो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लेमिंग, लिखो प्लीज फ्लेमिंग्स, करेक्शन करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। और जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था बायट-सावर्ट लॉ में, वो क्या था? फ्लेमिंग का गलत, मेरा राइट हैंड रूल, आपका राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग वर्ड पहली बार आ रहा है, वो आपका राइट हैंड रूल है, वो फ्लेमिंग नाम नहीं लेना। आपको क्या फर्क क्या पड़ता है, चाहे फ्लेमिंग का हो चाहे मेरा हो, राइट तो राइट ही है, फर्क पड़ता है क्योंकि अभी आने वाला है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी, वो कुछ और कहता है। तो ध्यान से, तो फ्लेमिंग का नहीं है, वो वैसे ही राइट हैंड रूल है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। जब वर्ड फ्लेमिंग यूज करते हैं तो फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने कहा था मेरा रूल लगाने के लिए तीन फिंगर्स को 90 डिग्री पे लेना है, 90 डिग्री पे लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड के। क्या है ये रूल, इसको समझते हैं। ये रूल के अकॉर्डिंगली ये बताया जाता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कैसे मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे सपोज करो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने चार्ज पार्टिकल को ये रहा वी वेक्टर के साथ मूव करवाया चार्ज क्यू के साथ, तो क्यू चार्ज है और वी वेक्टर के साथ मूव कर रहा है, तो आपको बताना है ये फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आपने तीन फिंगर्स को ऐसे लेना है, ध्यान आगे, ऐसे लेना है, परपेंडिकुलर ही लेना है, आपने ऐसे नहीं लेना, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो आपने तीन फिंगर्स को ऐसे लेना है, इधर देखना है, इधर भाई, इधर ऐसे लेना है, आपने ऐसे नहीं लेना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी, ये नहीं लेना आपने, ऐसे लेना है, राइट। तो ये फिंगर आपकी तरफ जाएगी, नंबर वन। तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ बी, तो फिंगर के ऊपर लिख लो बी, बी लिख लो यहाँ पे, बी बी। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू, क्यू और क्यू पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव नहीं, सेंट्रल फिंगर, सेंटर फिंगर क्यू, और ये फोर्स एफ, एफ थंब एफ, आपने ध्यान से नहीं सुना, फर्स्ट फिंगर बी, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैंने नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं कहा, पॉजिटिव चार्ज। कई बार कई लोग इसको करंट भी बोलते हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में करंट भी होता है। और थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, शुरू करें, ये देखो लगाना कैसे है। फर्स्ट फिंगर बी, तो बी कहां पर है, बोर्ड के इनसाइड। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ चार्ज, वी वेक्टर कहां है, राइट। फोर्स कहां पर है, ऊपर, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगी, ये ऊपर, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट फिंगर बी बोर्ड के अंदर है, सेंट्रल फिंगर ये रहा, थंब ये रहा, थंब फोर्स है, 90 डिग्री पे रखना है तब लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ, सपोज करो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये बताओ कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है
कुछ इस डायरेक्शन में, ये रहा चार्ज पार्टिकल q, v वेक्टर ऐसे, तो फोर्स एक्सपीरियंस बोलो का है, राइट के लेफ्ट, राइट b वेक्टर देखें, b वेक्टर ये रहा, v वेक्टर का है नीचे, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, b वेक्टर v वेक्टर फोर्स कहां पर है, मेरी तरफ, मेरी तरफ का मतलब राइट right. क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, तो नेक्स्ट आंसर दो, सपोज करो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड, जितना मर्जी ले लो मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक, पूरा भरा पड़ा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक पार्टिकल लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, कितना वी वेक्टर, वी वेक्टर ये रहा, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगा, ये सीधा जा रहा था, ये सीधा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स एक्सपीरियंस तो करेगा, कितना करेगा, बी क्यू वी साइन 90, क्योंकि बी वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल क्या है 90, तो बी क्यू वी साइन 90, डायरेक्शन बोलो अपवर्ड, बी ऐसे है, वी ऐसे है, डायरेक्शन अपवर्ड है, बिल्कुल सही, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां बनेगी, अपवर्ड। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चार्ज पार्टिकल सीधा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, सोचो अगर ये पेन सीधा जा रहा है और मैंने इसको ऐसे खींच लिया तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैं भी खींच रहा हूं और ये आगे भी, देखो आगे जाना तो रुकेगा नहीं, आगे तो जाएगा, साथ में मैग्नेटिक फोर्स ऊपर भी लग रही है तो ऊपर भी जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ये पार्टिकल यहां पे आएगा, नहीं थोड़ा सा आगे जाएगा, तो ये थोड़ा मुड़ जाएगा ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर खींच गई, फिर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर गई, ये चाहता है कि मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करेगी, बी वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करेगी, ऐसे, देखो ऐसे ये रहा, फिर ये थोड़ा और मुड़ गया, अब ये चाहता है मैं ऐसे जाऊं, तो बी वेक्टर ऐसे है, वी वेक्टर ऐसे है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करेगी, ऐसे, ये रहा, ये थोड़ा और मुड़ गया, और मुड़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां एक्ट करेगी, ऐसे। ऐसे करते करते मैंने देखा कि इसने कैसे ड्रॉ कर, कैसे मूव करना शुरू कर दिया है ना, सर्कल, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स जहां मर्जी आप ये रूल लगा दें, मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करेगी, हर वक्त टुवर्ड्स सेंटर, और क्या एक्ट करेगी, पार्टिकल को क्या देगी, सेंट्रिपेटल फोर्स, क्योंकि पार्टिकल को घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपेटल, और कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपेटल, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये पाथ ड्रॉ करना वो शुरू कर देगी। क्लियर है यहां तक? अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, और सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड सेंटर है, जो पार्टिकल को किसमें घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कल में। सेंट्रिपेटल फोर्स कभी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकती, वो सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर सकती है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वी विल रिमेन सेम, वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पर मैग्नीट्यूड ऑफ वी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, सिखाया जाएगा, अभी करेंगे हम इसे, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे ऊपर फोर्स लगाती है, वो फोर्स से पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है पर अपनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को कभी चेंज नहीं करता। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी नहीं थी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्सेलरेशन जनरेट करती है क्यू बाय एम, वो तो रेस्ट में पड़े पार्टिकल को मूव करवा देती है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो वेलोसिटी में इंक्रीज लेके आती है। तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं लेके आता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है वेलोसिटी का, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकती है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो डायरेक्शन समझ में आ रही है यहां तक, ये डायरेक्शन कैसे हुई? ठीक,